हाँ जी, क्लास शुरू होगी। सत श्री अकाल सारे नु, गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, जल्दी आ जाओ सारे। हुण देखते हैं जी, आपां आपदी पंजाब जीके दियां पहलां बहुत क्लासां लगा लईआं जी। शायद 3 तों 4 क्लासां लगा लईआं ते अपनी नैक्सट क्लास है जी। आपां हुण तक की पढ़ चुके हैं, आपां पंजाब बारे डिटेल पढ़ चुके हैं जी। ठीक है जी, उस तो बाद अज की क्लास च आप की करा, अज की क्लास च आप करा जी फोक सॉन्ग्स। ठीक है जी, फोक सॉन्ग्स ऑफ पंजाब करा जी। तो उदो बाद आप की करा जी, उस तो बाद आप गुरुद्वारा गुरुद्वारा मंदिर करा जी। ठीक है जी, इन्हू की इंग्लिश टेंपल कहते हैं। ठीक है, आप शुरू कर दें जी अपनी अज की क्लास। होप तुसी सारे ने जी पिछला रिवाइज कर लिया होएगा। ठीक है, ते क्लासां दे नाल नाल इस नूं कॉपी ते नोट भी जरूर करो ताकि थोड़ा रिवीजन चंगी तरह हो जाए जदों पेपर दा वेला आवे जी। ठीक है, तां आपां शुरू करते हैं जी। देखो जी, अपना अज दा पहला टॉपिक की है जी, अपना अज दा पहला टॉपिक है फोक सॉन्ग्स ऑफ पंजाब। पहला वाली क्लास च आपां की पढ़ा सी जी, पहला वाली क्लास च आपां फोक डांसेस पढ़े सीगे। अज आपां की पढ़ते हैं जी, अज आपां फोक सॉन्ग्स पढ़ते हैं। ठीक है जी, होप तुसी सारे ने पहला लगा लगा लिया होनिया ते अज वाली क्लास भी लगाओगे, तां आपां शुरू करते हैं जी। पहला सॉन्ग है जी सुहाग। देखो जी, सुहाग पहली गल तां जी घर वाले नूं कहा जांदा है। ठीक है, हुण इह सॉन्ग है जी, इह सॉन्ग की जी बाय द वूमेन्स ऑफ ब्राइट साइड, कुड़ी वाले पास्यों जी, कुड़ी वाले पास्से दियां औरतां द्वारा ये सॉन्ग गाया जाता है या। ठीक है जी, ब्याह दे मौके ते, कदों जी मैरिज सॉन्ग है ये, ब्याह दे मौके ते गाया जाने वाला सॉन्ग हैगा। ठीक है जी, ये गल आपां ध्यान च रखनी है। आपां नूं पेपर च क्वेश्चन किदां आऊगा, क्वेश्चन इदां आऊगा भी सुहाग है जिहड़ा उह किहदा सॉन्ग है, मेल्स दा है, फीमेल्स दा है, कॉमन सॉन्ग है जां किन्ना दा सॉन्ग है जी। ठीक है, ये गल भी आपां ध्यान च रखनी है। सेकंड क्वेश्चन, कौन कहे जा सकदे जी सुहाग सॉन्ग है जिहड़ा जी उह किस दे द्वारा गाया जांदा है, उह वीमेन्स सॉन्ग है फ्रॉम द ब्राइट साइड। ठीक है जी, कुड़ी वाले पासों दियां बुढ़ियां द्वारा ये गाया जांदा है। ठीक है, सेकंड सॉन्ग हैगा जी सिथानिया। ठीक है जी, बाय द वीमेन्स फ्रॉम द ब्राइट साइड। ठीक है जी, ये भी कुड़ी वाले पासे दियां औरतां द्वारा गाया जाने वाला सॉन्ग हैगा या, ये गल भी आपां ध्यान च रखनी है जी। आपां नूं क्वेश्चन आ जाऊगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, सॉन्ग सॉन्ग बाय ब्राइट साइड। ठीक है जी, ये आपां नूं क्वेश्चन इदां दा आ जाऊगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग सॉन्ग बाय ब्राइट साइड, तां आपां नूं ऑप्शन सुहाग दे देणगे, स्थानिया दे देणगे, दो ऑप्शन कोई होर दे देणगे जी। ठीक है, या शायद एक ऑप्शन होर दे देन, ऑल ऑफ द अबव दे देन, जां एंड ए एंड बी ऑप्शन इदां करके आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट सॉन्ग अपना हैगा जी शोले। These songs are sung by married girls. ये सॉन्ग है जिहड़ा वो मैरिड गर्ल्स ब्याहियां हुई कुड़ियां द्वारा गाया जाता जी। ये एक प्रकार का प्रेजिंग सॉन्ग है, मान लो इस चीज वो कुड़ियां आपदे माँ प्यो की बड़ियाई करती हैं भी असी आपदे घर सुखी खाती रहनी है। ठीक है जी, इस प्रकार है शोले सॉन्ग है जी। ठीक है, ये गल भी आपां ध्यान च रखनी है जी। नेक्स्ट सॉन्ग अपना है जी घोड़ियां। ठीक है जी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, इस तो पेपर च सवाल बनता ही बनता है। सवाल बनने का कारण यह है जी कि दिस सॉन्ग इज मेड बाय फोर्थ गुरु, सिख गुरु, गुरु रामदास जी। ये जिहड़ा सॉन्ग सीगा जी, ये गुरु रामदास जी द्वारा इनवेंट कराया गया सी, उन्हां द्वारा बनाया गया सी, उन्हां द्वारा मेड कराया गया सी। ठीक है जी, इसलिए ये सॉन्ग है जिहड़ा, जां ये फोक सॉन्ग है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हैगा या। घोड़ियां कहिंदे जी इस नूं, क्वेश्चन किदां होगा कि घोड़ियां सॉन्ग किहदे द्वारा बनाया गया सी, फर्स्ट गुरु, सेकंड गुरु, थर्ड गुरु, फोर्थ गुरु। तो यह सॉन्ग सीगा जी वो जिहड़ा फोर्थ सिख गुरु गुरु रामदास जी दे द्वारा इन्वेंट कराया गया सी, बनाया गया सी। ठीक है जी, अगला हैगा जी हरियाणा। नेक्स्ट सॉन्ग है जी हरियाणा, ये सॉन्ग है जी संग एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये सॉन्ग भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। क्वेश्चन च आऊगा आपां नूं विच सॉन्ग,
Which song is sung at a time of child's birth? अपन ऑप्शन दे देंगे जी, चार ऑप्शन बिचो अपन एक हरिया दे देंगे, तो इस पे आप टिक करना है जी भी हरिया चाइल्ड दी बर्थ हुंदी है, जदों जदों चाइल्ड दी बर्थ हुंदी है जी उदों ये सॉन्ग गाया जाता है यार, ठीक है जी, ये गल भी आप ध्यान च रखनी है जी। हुण एक बार रिवाइज करते हैं जी, सुहाग औरतां दा है जी, स्थानिया औरतां दा है जी, सोले है जी जिहड़ा वो मैरिड गर्ल्स द्वारा गाया जाने वाला है, ठीक है जी। घोड़ियां जी, घोड़ियां सोंग फोर्थ गुरु गुरु रामदास जी द्वारा इनवेंट कराया गया सी। हरिया सोंग है जी जिहड़ा ए जी जवाक दे जन्म ते जवाक दी बर्थ ते गाया जाने वाला सोंग हैगा या। नैक्सट चलते हैं जी आपां, नैक्सट हैगा जी किरन किरने अलनिया वेन, किरने अलनिया वेन, ठीक है जी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, इंपोर्टेंट किस हिसाब नाल है, ये इस हिसाब नाल इंपोर्टेंट है जी क्योंकि इसका क्वेश्चन है इस ऐसा आता है भी एट द टाइम ऑफ सोरो या डैथ, मान ला मौत होने पर जी, किसी की मौत होने पर गाया जाने वाला सोंग है, सोंग तो नहीं कह सकते जी आप, मान लो एक प्रकार का शोक है जी, ये मौत होने पर शोक के तौर तरीकों के अनुसार ये बोले जाते हैं है, कीरने अलनिया वेन, ठीक है जी। ये गल भी आप ध्यान च रखनी है जी। क्वेश्चन इदा आऊगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोंग्स संग एट द टाइम ऑफ सोरोज या डैथ, ठीक है जी। एक ऑप्शन आजगा किरने आजगा अलनिया आजगा या वेन आजगा, ठीक है जी। नैक्सट है जी टप्पे, ठीक है जी। कहते दीज आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पंजाबी लोक गीत, ठीक है जी। टप्पे की होंगे जी, पंजाबी लोक गीत की शॉर्ट फॉर्म होंगे है टप्पे, टप्पे की होंगे जी, पंजाबी लोक गीत है जेडे उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में की कहा जाता है, टप्पे कहा जाता है जी। ये गल भी आप ध्यान च रखनी है। सैकेंड बोलियां, बोलियां तो अपन पता है जी ब्याह शादियों आप बोलियां सुनते आए हैं अज तक, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक अपन ये नॉलेज भी है जी, ये तो अपन हरेक बच्चे बच्चे को पता भी बोलियां की होंदियां, ठीक है जी। और ध्यान च रखने की गल ये है भी ये कंबीनेशन ऑफ डिफरेंट टप्पा होंगे है, भी टप्पे की होंगे जी लोक गीत की शॉर्ट फॉर्म होंगी है, तो बोलियां की होंगे कंबीनेशन ऑफ टप्पाज, टप्पया के समूह न टप्पया के जोड़ में की कहें जी बोलियां कहते हैं, ठीक है जी। नैक्सट हैगा जी माइया जिंदुआ ढोला काफिया बिरादे, ये की है जी, ये लव सोंग्स है, ठीक है जी। तो जिहड़ा जिंदुआ जी ये तो लव डांस भी हैगा आ, लव डांस भी हैगा आ, आप पढ़ के आए हैं जी। हुण क्वेश्चन इदा भी आ सकते जी भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस एंड फोक सोंग आलसो, तो वो जिंदुआ भी है, एक फोक डांस भी है तो फोक सोंग भी है। उदा याद रखने हैं जी भी कीरने अलनिया वेन ये की है जी, ये शोक के समय सोरो के समय डैथ के समय गाए जाने वाले है, ठीक है जी। माइया जिंदुआ ढोला काफिया ये की है जी, ये लव सोंग्स है, ठीक है जी। ये की है ये लव सोंग्स है, ये गल भी आप ध्यान च रखनी है जी। नैक्सट देखते हैं हुण आपां की करते हैं जी, हुण अपना ओ टॉपिक कंप्लीट हो गया, हुण आपां टैंपल एंड गुरुद्वारे करते हैं जी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। साडिया क्लासा सोनू जो भी कुछ कराया जाऊगा जी, वो पंजाब जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट कराया जाऊगा, पेपर च सीधे सीधे इतों सवाल क्वेश्चन देखने थोड़ू मिलने, एक भी फालतू की चीज़ नहीं कराई जाएगी जी, डायरैक्ट सोनू पेपर च देखने मिलने क्वेश्चन इतों, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं चंडी मंदिर, चंडी मंदिर जिमें कि नाम तो ही क्लीयर है जी चंडीगढ़, थोनों क्वेश्चन इदा भी पूछ सकते हैं भी जोड़ा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का नाम है जोड़ा वह कि ना रखा गया, वह चंडी मंदिर के कारण रखा गया जी, चंडीगढ़ का नामकरण है जोड़ा नाम है जोड़ा वह चंडी मंदिर की स्थिति के कारण, चंडी मंत्र मंदिर की होंद के कारण उतों रखा गया जी, ये गल आप ध्यान च रखनी है। नैक्सट है जी शिव मंदिर, इनू गुरमंडी भी कहें जी, ये कितने हैगा या जलंधर च हैगा शिव मंदिर जी, जिदा जिन्हों गुरु मंडी भी कहें, एक इतने हैगा है जलंधर च हैगा है। उद्वा गुरद्वारा बेरी साहिब, ये तो अपन पता है जी गुरद्वारा बेरी साहिब मोस्ट इंपोर्टेंट गुरद्वारा है जी पंजाब इतिहास का, यह कितने हैगा है जी सुल्तानपुर लोधी च हैगा है, कितने हैगा है जी सुल्तानपुर लोधी च हैगा है जो कि कपूरथले है, ठीक है जी। गुरद्वारा बेरी साहिब कितने है जी सुल्तानपुर लोधी च है जो कि कपूरथले हैगा है, ठीक है जी। इधर देखो जी इधर आप देख सकते हैं गुरुद्वारा करतारपुर साहिब है जी, द रेजिटिंग प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी, इतने गुरु नानक देव जी रेंदे होंगे सी, ठीक है जी। गुरद्वारा कंड साहिब ये कितने हैगा है जी बटाला गुरदासपुर हैगा,
है जी। गुरदासपुर अपना वो डिस्ट्रिक्ट है जी जेड़ा पाकिस्तान ना लगता है, ठीक है जी। गुरुद्वारा कंठ साहिब कितने जी, बटाला गुरदासपुर च है। एक बार आप रिवाइज कर दें जी, चंडी मंदिर कितने जी, चंडीगढ़ च है। चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर के कारण पे है जी। शिव मंदिर कितने हैगा है जी, जलंधर हैगा, इन गुरमंडी भी कहा जाता है। गुरुद्वारा बेरी साहिब कितने हैगा है जी, सुल्तानपुर लोधी च हैगा है, कपूरथला च। गुरुद्वारा कंठ साहिब कितने जी, बटाला गुरदासपुर च है। नेक्स्ट आप करते हैं जी, आ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, पिछले किसी पेपर च आया हुआ है या पंजाब पुलिस की किसी शिफ्ट च आया सीगा। सूरजकुंड मंदिर कितने है गया, सूरजकुंड मंदिर कितने जी, सनाम च है गया, ठीक है। ये गल आप ध्यान च रखनी है जी, सूरजकुंड मंदिर सनाम देवी तलाब मंदिर, इस कंफ्यूजन ना हो जाए जी। सूरजकुंड अलग है ते देवी तलाब मंदिर अलग है, ये कितने जी, ये जलंधर च है, ठीक है जी। ये जलंधर च है जी। सूरजकुंड मंदिर कितने है जी, सनाम च है। देवी तलाब मंदिर कितने है जी, जलंधर च है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, पंजाब पंजाब के पेपर च आने वाला सारे ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ है जी, ये गल तुसी ध्यान च रखनी है, इनू स्टार ला के नोट करना कापी ते। दुर्गियाना मंदिर, दुर्गियाना मंदिर कितने है जी, अमृतसर च है। इनू सिल्वर टेंपल दे नाम नाल जाने जाता है। दुर्गियाना मंदिर है जी जो अमृतसर च स्थित है। ऐदा तो आपको पता भी जो अपना गोल्डन टेंपल है जी वो भी अमृतसर च है। गोल्डन टेंपल भी अपना अमृतसर च है जी, ठीक है। गोल्डन टेंपल ते स्वर्ण परत किने चढ़ाई सी, महाराजा रणजीत सिंह जी द्वारा चढ़ाई गई सी, ठीक है जी। महाराजा रणजीत सिंह जी ने ते स्वर्ण मंदिर ते स्वर्ण परत चढ़ाई सी, यानी कि सोने का कोटेड कराता सी। दुर्गियाना मंदिर आ है जी, ठीक है। ये गल आप नोट ध्यान च रखनी है, वैसे थोड़ा जहा देख लो, ऐदा होंगे जी भी देखने आपको थोड़ी जी चीज ज्यादा क्लीयर हो जाती है। क्वेश्चन की सीगा, दुर्गियाना मंदिर कितने है जी, अमृतसर च है। दुर्गियाना मंदिर दी जेड़ा नींव पत्थर सीगा वो किने रखा सी जी, मदन मोहन मालवीय ने रखा सीगा। आ क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, भी दुर्गियाना मंदिर का जेड़ा जी नींव पत्थर सीगा नींव किने रखी सी, वो मदन मोहन मालवीय जी ने रखी सी। इनू सिल्वर टेंपल दे नाम नाल जाने जाता है, ठीक है जी। गोल्डन टेंपल किनू कहा जाता है जी, ठीक है जी। गोल्डन टेंपल तो अमृतसर विच है जी, सिल्वर टेंपल भी अमृतसर च है गया, ठीक है। दुर्गियाना मंदिर है जेड़ा उसनू सिल्वर टेंपल के नाम नाल जाना जाता है। यदि नींव पत्थर मदन मोहन मालवीय द्वारा रखा गया सी। नेक्स्ट आप देखते हैं जी, राम तीर्थ मंदिर, राम तीर्थ मंदिर भी कितने जी, अमृतसर च है, ठीक है जी। राम तीर्थ मंदिर भी कितने है या अमृतसर च है या। अमृतसर बारे एक गल होर भी याद रखनी है जी, गुरु रामदास एयरपोर्ट कितने है जी, गुरु रामदास एयरपोर्ट है या वो भी कितने है जी, वो भी इधर ही है या कितने, अमृतसर च है या। गुरु रामदास एयरपोर्ट कितने है जी, अमृतसर च है या गुरु रामदास एयरपोर्ट। ये भी तुसी गल ध्यान च रखनी है जी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते होंगे भी अमृतसर में केड़ा एयरपोर्ट है, अमृतसर में गुरु रामदास एयरपोर्ट है या, ये भी गल तुसी ध्यान च रखनी है, ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट आप एक बार रिवाइज करते हैं जी, सूरजकुंड मंदिर कितने है या, सनाम है या, ठीक है जी। देवी तलाब मंदिर कितने है या, जलंधर है या, ठीक है जी। दुर्गियाना मंदिर, दुर्गियाना मंदिर है जी जेड़ा, दुर्गियाना मंदिर है वो अमृतसर विच है या, ठीक है जी। इनू सिल्वर टेंपल दे नाम नाल जाना जाता है या, ठीक है। तो यदि नींव पत्थर मदन मोहन मालवीय जी ने रखी सी। राम तीर्थ मंदिर कितने है, अमृतसर च है। गुरु रामदास जी एयरपोर्ट भी कितने है या जी, अमृतसर विच है या, ठीक है। ये गल हो गई ध्यान च रखनी। नेक्स्ट आप देखते हैं जी, हमने सीधी सीधी याद करने वाली गल्ला ने जी, गुरुद्वारा दुख निर्वाण दुख निवारण साहिब कितने है या, पटियाला है या, ठीक है जी। गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब कितने है जी, पटियाला है या। गुरुद्वारा गोविंदवाल साहिब कितने जी, गोविंदवाल कपूरथले च है जी। ता एक गुरुद्वारा साहिब भी कितने जी, कपूरथला च है या, ठीक है जी। गुरुद्वारा खडूर साहिब कितने जी, तरन तारण साहिब च है जी। गुरुद्वारा खडूर साहिब, गुरुद्वारा खडूर साहिब अपने डिस्ट्रिक्ट केड़ी च है जी, तरन तारण च है जी। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर च मिल जाएगा भी गुरुद्वारा दुख निर वारण साहिब कितने है, पटियाला है जी। गुरुद्वारा गोविंदवाल साहिब कितने है, कपूरथला है जी। गुरुद्वारा खडूर साहिब कितने है, तरन तारण। ये गल भी आप ध्यान च रखनी है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, गुरुद्वारा ननकानिया साहिब कितने है जी, संगरूर च है,
ठीक है जी, गुरुद्वारा ननकाना साहिब। इतने तुसी पजल नहीं होना जी, ये दोनों गुरुद्वारा साहिब है जी जेडे अलग अलग है ने। गुरुद्वारा ननकानिया साहिब किथे है जी? संगरूर च है आ। गुरुद्वारा ननकाना साहिब जी किथे है आ? पाकिस्तान च है आ, जिन्हों की पंजा साहिब के नाम नाल जाना जाता है। गुरुद्वारा पंजा साहिब के नाम नाल गुरुद्वारा ननकाना साहिब को जाना जाता है जी। ये गल भी तुसी ध्यान च रखनी है जी। नेक्स्ट आप देखते हैं जी रोजा शरीफ सरहिंद फतेहगढ़ साहिब च है। रोजा शरीफ कितने है जी? सरहिंद फतेहगढ़ साहिब च है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन तुसी ध्यान च रखना है या। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दें जी। गुरुद्वारा ननकानिया साहिब संगरूर, गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान जिन्हों की पंजा साहिब के नाम नाल जाना जाता है जी। रोजा शरीफ सरहिंद फतेहगढ़ साहिब, ठीक है जी, ये गल भी आप ध्यान च रखनी। नेक्स्ट काली माता मंदिर, ये तो आपको पता है जी। काली माता जी मंदिर कितने है गया? पटियाला है गया। आ है गया जी काली माता मंदिर। वैसे तो सारे जने देखे ही होना है जी, फिर भी एक बार पिक्चर च देख लेने हैं। काली माता जी मंदिर कितने है जी? पटियाला है गया। पंच मंदिर, पंच मंदिर एंड मोरिश मस्जिद कितने है जी? पंच मंदिर ते मोरिश मस्जिद कितने है जी? ये दोनों कपूरथला च है, ठीक है जी, ये गल आप ध्यान च रखनी है जी। पंच मंदिर पूछ लैन जा मोरिश मस्जिद पूछ लैन, वो कितने है गया? कपूरथला च है गया, ठीक है जी। नेक्स्ट सोटल मंदिर, सोटल मंदिर कितने है जी? जलंधर च है। भगवती मंदिर कितने जी? मैसर खाना बठिंडा च है गया। भगवती मंदिर कितने जी? मैसर खाना बठिंडा च है गया। बहुत शर्त है जी इस मंदिर की भी, ठीक है जी। नेक्स्ट हुण आपां थोड़े जे फैक्ट देखते हैं जी। थोड़े जे फैक्ट है इसलिए क्योंकि इन्हां ते क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये डायरेक्ट आपां नूं फैक्ट याद होने चाहिए है जी, पेपर च डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है जी। पहला एज ए क्वेश्चन ही आपां इन्हां नूं देख सकते हैं जी। बस क्वेश्चन का मतलब ये है भी इन्हां दे अपने कोल ऑप्शन नहीं दे रहे हैगे, डायरेक्ट आंसर है, ठीक है जी, डायरेक्ट पेपर च पूछा है वो सुनने। फर्स्ट की है जी, कहिंदे इन सिख हिस्ट्री फर्स्ट रिलीजियस सेंटर ऑफ सिख्स कहना सीगा जी? गोविंदवाल साहिब सीगा। क्वेश्चन कितना होगा भी इन सिख हिस्ट्री फर्स्ट रिलीजियस सेंटर ऑफ सिखिज्म, सिखिज्म भी कह सकते हैं जी, या सिख सिद्धा भी कह सकते हैं जी, गोविंदवाल साहिब सीगा जी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ध्यान च रखना तुसी। सेकंड कहना जी फुलकियां स्टेट्स, आपां पढ़िया सीगा जी फुलकियां स्टेट्स, फुलकियां स्टेट्स केड़ियां केड़ियां? तीन आंदियां सी जी, एक तां पटियाला आंदी सी, एक नाभा आंदी सी, एक जींद आंदी सी। ये क्वेश्चन तुसी ध्यान च रखना जी, क्लर्क दे पेपर च आया होया है गया। चार ऑप्शन दे दिते सीगे, एक च पटियाला सीगा, एक च नाभा सीगा, एक च जींद सीगा, फोर्थ ऑप्शन च कुछ होर सीगा। फोर्थ ऑप्शन आपां नूं आंसर आ सकदा सीगा, आंसर आना सीगा, उस च इदां लिखा सी विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ फुलकियां स्टेट्स, यानी कि पटियाला भी हैगी है जी, नाभा भी हैगी है, जींद भी हैगी है, जेड़ा अलग डिस्ट्रिक्ट देता वो नहीं होना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखते हैं जी कि फर्स्ट पंजाबी न्यूज़पेपर, पहला पंजाबी न्यूज़पेपर किहड़ा सीगा जी? खालसा अखबार सीगा। पहला पंजाबी न्यूज़पेपर किहड़ा सीगा जी? खालसा अखबार सीगा, ठीक है जी, ये गल भी आपां ध्यान च रखनी है जी। देखो थोड़ी जी फैक्ट दस दें जी, पहला हिंदी अखबार किहड़ा सीगा? पहला हिंदी अखबार कहड़ा सीगा जी? उदंत मारतंड सीगा, उदंत मारतंड सीगा, ठीक है भाई जी, ये गल ध्यान च रखनी है जी। पहला हिंदी अखबार कहड़ा सी? उदंत मारतंड सीगा, ठीक है। फर्स्ट पंजाबी न्यूज़पेपर कहड़ा सीगा जी? खालसा अखबार सीगा। ते पहला इंग्लिश कहड़ा सीगा जी? पहला इंग्लिश अखबार कहड़ा सीगा जी? बंगाल गजट। बंगाल गजट सीगा जी, पहला इंग्लिश अखबार सीगा। पहला हिंदी केड़ा सीगा जी? उत्तदंत मारतंड सीगा। ते पहला पंजाबी न्यूज़पेपर केड़ा सीगा जी? खालसा अखबार सीगा। 1886 विच लॉन्च कराया गया सी बाय गुरमुख सिंह, ठीक है जी। गुरमुख सिंह नू होर किस नाम नाल जाना जाता है जी? गुरमुख सिंह जी नू फादर ऑफ पंजाबी जर्नलिज्म कहा जाता है, ठीक है जी, ये गल भी आपां ध्यान च रखनी है जी। हुण आपां एक बार रिवाइज करते हैं जी। देखो ये सारा जी रिवाइज करन वालियां गल्लां ने, ठीक है, इसलिए आप एक बार रिवाइज करते हैं। देखो जी चंडी मंदिर कितने है गया? चंडी देखो जी हम आप एक बार रिवाइज करते हैं जी। चंडी मंदिर कितने है गया? चंडीगढ़ है गया। जल्दी जल्दी रिवाइज करांगे जी क्योंकि इन्ना टाइम क्लास देखना भी औखा हो जाता है स्टूडेंट्स को, टाइम घट होता है स्टूडेंट लाइफ से। ते शिव मंदिर कितने है गए जी? जलंधर है गया। गुरुद्वारा बेरी साहिब
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਬਟਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸਨਾਮ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈ। ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ। ਨੈਕਸਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਹਿੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਚ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮੋਰਿਸ਼ ਮਸਜਿਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਚ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮੋਰਿਸ਼ ਮਸਜਿਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਟਲ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ? ਸੋਟਲ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ? ਸੋਟਲ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਭਗਵਤੀ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਸਰਖਾਨਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੀ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਨ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਫਸਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ। ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 1, 2, 3, 4। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ 3 ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਤੇ ਜੀਂਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ। ਫਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਉਤਦੰਡ ਮਾਰਤੰਡ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਗਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਜੈਮ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ? ਜਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।